ऑटो एक्सपो इवेंट शुरू हो चुका है। अब रेनो ने भी अपनी कई सारी गाड़ियां इस इवेंट में एक साथ उतार दी हैं। खासा फोकस रेनो का इस इवेंट में दिख रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर। हमारे साथ कंपनी के MD हैं वेंकटरमन जी। वेंकटरमन जी से जानते हैं कि किस तरह की ये गाड़ियाँ हैं और इन गाड़ियों को लेकर उनकी क्या स्ट्रेटजी है भारतीय मार्केट को लेकर। सर, कौन कौन सी गाड़ियाँ आपने इवेंट में लॉन्च की हैं, थोड़ा उनकी डिटेल के बारे में बताएंगे। थैंक यू। पहले चीज़ ये है कि हम ट्राइबर AMT लॉन्च किए हुए हैं। ट्राइबर तो काफ़ी सक्सेस देख चुका है। लास्ट ईयर हमने जब लॉन्च किया था करीब 30,000 कस्टमर है ऑलरेडी। अभी उनका फीचर बढ़ाने के लिए हम AMT ट्रांसमिशन ऐड किया हुआ है। सो वो हमने आज रिवील किया हुआ है और इसके लॉन्च होगा सेकेंड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर Q2 में होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम इलेक्ट्रिक कार्स पूरा डिस्प्ले में रखा हुआ है। एक जोई है, यूरोपियन नंबर वन ब्रांड KZ, ये आज चाइना में बन रहा है। ये मोस्ट अफोर्डेबल कार है। और ट्विजी जो वहाँ रखा हुआ है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी कार है। सो ये तीनों हमारा इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी गाड़ियाँ हैं। और उसको अलावा हमने एक शो कार रखा हुआ है। और ये जो इलेक्ट्रिक डिस्प्ले हमने रखा है कि टू शो दैट हमारा टेक्नोलॉजी कितना है, ये टेक्नोलॉजी हम इंडिया में लेके आ रहे हैं और 2 साल के अंदर इंडिया में अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने वाले हैं। सर, इन दोनों गाड़ियों की अगर बात की जाए तो ऐसी क्या USP है जिसको लेकर आपको लगता है कि भारतीय मार्केट में सक्सेस इनको बहुत तेज़ी से मिल सकती है? पहले चीज़, इलेक्ट्रिक कार होती है और जो भी फीचर्स है जो इलेक्ट्रिक कार पर लोड होता है वो नॉर्मल कार पर भी लोड हो सकती है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा। और हमारा ये एडवांटेज है कि हमारा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है ग्लोबली इलेक्ट्रिक कार गाड़ी बनाने में। और हमारा अगर आप जोई देखोगे या आप हमारा KZ देखोगे, इसकी फीचर्स आप एक्चुअली ओपन करके देख सकते हैं अंदर, इसकी फीचर्स और माइलेज हमारा बेसिक एडवांटेज है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अफोर्डेबिलिटी। इंडिया हम ये देख रहे हैं कि वी वॉन्ट टू गेट इंटू मास मार्केट विथ लॉट ऑफ अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पोल्यूशन दूर करने के लिए। तो पीपल को गाड़ी खरीदनी है, अगर आप 15-20 लाख लगाओगे तो फिर खरीदना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम अफोर्डेबिलिटी में वी आर टॉकिंग अबाउट इट। सर, आपने गाड़ियाँ लॉन्च कर दी हैं और लगातार जो है भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सारी कंपनियाँ जोर दे रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए? डेवलप नहीं हुआ लेकिन शुरू हो चुका है, ये बताऊँगा। क्योंकि काफ़ी OEMs अभी तो पहला स्टेज में आपको 3-व्हीलर ऑटो रिक्शा का स्टार्ट हो गया, 2-व्हीलर स्टार्ट हो गया, बसेस स्टार्ट हो गया और पैसेंजर कार भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। मैं क्या बता रहा हूँ कि अगला 10 साल में आपको ज़्यादा वॉल्यूम दिखेगा, कम से कम 10-15-20% जो पेनिट्रेशन है वो इलेक्ट्रिक कार मोबिलिटी दिखेगा। उसके लिए इकोसिस्टम अभी चालू हुआ है, चलते चलते वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली इम्प्रूव हो जाएगा। मेरा उम्मीद है कि अगला 10 साल में तो पूरा भारत देश कवर हो जाएगा, लेकिन उसके पहले ही 3-4 साल में आपको काफ़ी कुछ कवरेज मिलेगा। आने वाले दिनों में क्या रेनो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ज़्यादा फोकस करेगी, पेट्रोल और डीजल के व्हीकल को शायद बंद करेगी? हम डीजल तो हम अभी कर नहीं रहे, हमारे पास जो डीजल था वो हमने बंद कर दिया, लेकिन डेफिनेटली गैसोलीन, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक पे तो जोर देंगे। और सर, एक बात बताइए कि जो बीता साल था, क्योंकि काफ़ी सुस्त मार्केट रहा, अगर ऑटो बाज़ार की बात की जाए, सेलिंग ग्राफ भी काफ़ी जो है आप सिर्फ रेनो का नहीं लगभग सभी कंपनियों का जो है डाउन रहा, इस साल किस तरह के बाज़ार की आप उम्मीद कर रहे हैं? पहला चीज़ ये है कि रेनो का कम नहीं था, हम पूरा मार्केट 12% गिरी है, हम 8% ऊपर गए हैं। हमारा एक ही कंपनी है इंडिया में जो ग्रोथ दिखाया 8% का, तो हमारा गिरा नहीं है लास्ट ईयर। और वही उम्मीद से हम ये साल भी हम काम कर रहे हैं। और मैं काफ़ी स्ट्रांग कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि हमारा ग्रोथ ये साल भी होगा एज रेनो, क्योंकि हमारा और एक प्रोडक्ट आने वाला है सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर। तो अपार्ट फ्रॉम AMT ट्राइबर, तो वी शुड बी वेरी गुड इन इंक्रीजिंग अवर वॉल्यूम्स।